नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y75 5G versus Tecno Camon 19 Pro Mondrian का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y75 5G में 6.46 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y75 5G में 2.98 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y75 5G से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Y75 5G में 187 ग्राम जबकि 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y75 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y75 5G में 6.58 इंचेस जबकि 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y75 5G में 1080x2408 और 19 Pro Mondrian में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y75 5G में 84.09% जबकि 19 Pro Mondrian में 88.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y75 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y75 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 19 Pro Mondrian की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y75 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 19 Pro Mondrian की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y75 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 19 Pro Mondrian में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y75 5G में MediaTek Dimensity 700 और 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y75 5G में अप टू 1TB जबकि 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y75 5G में Android V11 जबकि 19 Pro Mondrian में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y75 5G में 2 कलर्स जबकि 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y75 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें 19 Pro Mondrian की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y75 5G में 8
फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो कैमन 19 प्रो मॉन्ड्रियान की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 प्रो मॉन्ड्रियान आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Y75 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें लावा अग्नि 5G है, दूसरा Realme 9 Pro Plus 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQ Z6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।